अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मटन तवा फ्राई। चलिए अब इसका जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें ये सेट कर लेंगे। पहले चाहिए ये गोश्त है, हमें ये तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है बोनलेस मटन के, ठीक है। उसके बाद में ये लाल मिर्ची है, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, और ये कोथिमीर करेपाक है, ये कोथिमीर है, और कितना आपको फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए उतना, 1 कप का उतना, उससे भी ज़्यादा आप ऑयल पसंद करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और टेस्ट ऑफ सॉल्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले तेल ऐड कर देंगे, उसके बाद में इसके अंदर जो भी हमारा बोनलेस गोश्त था वो पूरा ऐड कर लेना चाहिए। जब तक गोश्त के अंदर जितना भी पानी है वो पूरा सूख जाना है तब तक हमें अच्छा इसे पका लेंगे। ये देखिए गोश्त का ही पानी जितना छूट गया है, ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाना है। कंप्लीट ड्राई होने के बाद में अगले प्रोसेस करेंगे। ये इसी तरीके से कंप्लीट 20 मिनट्स तक इसे पकाना है। आप सोचते होंगे ये कुकर में भी जल्द से जल्द पका सकते हैं करके, जितना ये हमें इतना कुली बर्तन में पका सकते हैं उतना टेस्ट कुकर में आपको नहीं मिलेगा। जब इसे कंप्लीट तेल में फ्राई करना पड़ता है, लास्ट में तलना पड़ता है, तब इसमें क्रिस्पीनेस भी आपको उतना अच्छे नहीं हो सकता कुकर में आप ये करें तो। इसे कंप्लीट आप इसी कुल्ले में बनाना है, ये पूरा कंप्लीट पानी सूख जाना चाहिए। देखिए पूरा गोश्त का ही पानी, जितना गोश्त में पानी था वो पूरा चुटके इसी तरह हो जाएगा। ये कंप्लीट आप ये पानी ड्राई होने के बाद में भी आपका गोश्त नहीं पकता है, थोड़ा इसमें पानी ऐड करके और थोड़ी देर के लिए आप पका सकते हैं। अच्छी तरह से एक 20 मिनट तक कुक करना चाहिए इसे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट पानी पूरा ड्राई हो चुका है, जो हम इसके अंदर ऑयल भी नहीं डाले, जो फैट है उसका ही ये पूरा ऑयल है। अच्छे से ये कंप्लीट पानी निकल जाना है इसके अंदर से। ये देखिए अब पूरा कंप्लीट पानी निकल गया है, हम दूसरा फ्रेश वाटर अब डाल रहे हैं। ऑलरेडी आधा ये उसी पानी में ही पक चुका है और आधा के लिए हम लोग नया पानी डाला है, ये भी पानी कंप्लीट सूख जाना चाहिए कंप्लीट से। ये देखो ये पूरा 1 ग्लास का पानी में इसका पूरा 1 ग्लास का पानी इसमें डाला है, ये पूरा कंप्लीट अभी आधा घंटा के लिए अच्छे से पकना चाहिए, इसका पानी भी पूरा कंप्लीट ड्राई होना है। इसे कंप्लीट अच्छे से पानी पूरा जाने तक अच्छे से आप फ्राई कर लेना चाहिए, अच्छे से पका 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 के पूरा कंप्लीट पकने तक, पानी खत्म होने तक आपको आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद आप इसे दाल के साथ और काली मिर्ची के अचार के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छे से टेस्ट है ये खाने का। गोश्त पकने का तो खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप भी ये जरूर ट्राई कीजिए घर में, जो भी बोल रहे इसका मटन में आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपको बोन भी चाहिए तो आप बोन भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। इस तरीके से पूरा पानी सूख जाना चाहिए, देखिए पूरा कंप्लीट सूख ले कुहारी है अब तक ये 20 मिनट, और आगे भी ऐसा ही कंप्लीट सूख जाना चाहिए पानी। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, जितना भी देखें इतना फ्राई होगा, इसमें जो भी तेल छूटा है वो
गोश्त का ही तेल है, ये पूरा कंप्लीट हमारा इतना तेल यूज कर रहा है एक्स्ट्रा। इसे ऐसा अच्छा रोस्ट कर लेना चाहिए, कंप्लीट रोस्ट होना चाहिए। इसको भी आप अच्छा से 10 मिनट तक अच्छा रोस्ट कर लीजिए। इसमें कंप्लीट हाथ हिलाते रहना चाहिए क्योंकि गोश्त उधर उधर है तो वो जल जाने का चांसेस बहुत रहता है। जितना हमें कंप्लीट ऐसा मिक्स करते रहेंगे उस टाइम में ये पूरा कंप्लीट ऐसा ब्राउन हो, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हो गया। गोश्त का फैट भी आप अच्छा से ऐड कर सकते हैं इसमें, आपको नहीं चाहिए तो उसे यूज नहीं करिए। हम लोग इसमें गोश्त का फैट भी ऐड कीजिए, उसी में ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपको। अभी हमें इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, देखिए इसको भी अच्छा से ये तेल में अच्छा भुनना चाहिए कंप्लीट। आपको अच्छा से भुनने का ये कड़ी पत्ते का स्मेल भी बहुत अच्छा से आएगा, अच्छा से इसमें फ्राई कर लीजिए। देखिए आप इसमें अच्छा से करी पत्ता भी भुन गया है। अब हमें इसमें नमक ऐड करेंगे, पहले से ही नमक ऐड कर दिया तो ना ये बहुत अच्छा क्रिस्पी नहीं होगा, पूरा नरम नरम हो जाता है। आपको जितना नमक चाहिए उतना टेस्ट का हिसाब से नमक डाल दीजिए। के अंदर जो भी आपको ये कफ कफ जैसे दिख रहा है ना, वो मटन का फैट है, फैट की वजह से वो आपको ये ऐसा दिख रहा है। आप फैट ऐड नहीं किया तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, पर टाइम लगेगा बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद हमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें कंप्लीट फ्राई करने के बाद उसके बाद हमें ये रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, स्पाइसी वाला ये। आपको जितना तेज चाहिए उतना ऐड कर दीजिए। इसके बाद भी हमें लाल मिर्ची का कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से भुनना है इसे। ये देखिए अभी हमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड कर रहे हैं। ये सबको अच्छे से भुनना है, कंप्लीट ये रोस्ट हो जाना चाहिए। देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आपको तवा फ्राई का, हैदराबादी तवा फ्राई गोश्त रेडी हो चुका है। हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, कंप्लीट इस तरीके से। एक
अंदर डालने का, एक 5 मिनट्स के बाद आप फ्लेम को अप करना है। हमारा गोश्त रेडी हो चुका है, हम ये खाने के लिए सर्व करेंगे आपको।